देखिए, ये सरकार का तो शुरू से डिवाइड एंड रूल का जो कहते हैं मतलब रवैया रहा है, मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे, राज्य के नाम पे। मतलब शुरुआत में जब ये मोर्चा शुरू हुआ था तब तो ये कह रहे थे कि पंजाब का है, पंजाब का है, पंजाब का है, खालिस्तानी है, खालिस्तानी है, खालिस्तानी है। फिर हरियाणा के लोग जब आ गए फिर चुप हो गए, फिर कुछ नया चलाए तो नक्सलवादी है, नक्सलवादी है, नक्सलवादी है। तो इस प्रकार के उनके पास तो अलग अलग नैरेटिव चलाने के हैं। और अब एक हमारी माननीय मंत्री महोदया हैं जिन्होंने कहा है कि हम किसान मवाली हैं, हुलिगन हैं, मतलब कुछ भी बोलते हैं ये लोग। किसानों को पार्टी बनानी चाहिए या किसी पार्टी का समर्थन करना चाहिए, ये निर्णय SKM का होगा। हाँ, इतना ज़रूरी है कि जब तक केंद्रीय सरकार को इलेक्टोरल थ्रेट नहीं दिखेगा तो शायद सरकार नहीं हिलेगी, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। आगे क्या होगा मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकती। चर्चा तो पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए ना, तो विपक्ष बचा ही नहीं है, कहाँ है विपक्ष? जो थोड़ी बहुत चर्चा हो भी सकती थी वो भी नहीं हो सकी ना इस बार। तो चक्कर क्या है कि इस बार ये जो कानून पास हुए हैं 10 महीने पहले, वो बिना चर्चा के, बिना लेजिस्लेटिव प्रोसेस के पास हुए हैं। अब उनकी बुनियाद ही गलत है तो उन पर कानून पास करने के बाद चर्चा का क्या मतलब? मैं उम्मीद रखती हूँ कि सरकार इन्हें रद्द करेगी और पूंजीपतियों के साथ मिलकर, कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ मिलकर, किसानों के साथ मिलकर नए कानून बनाएगी जो जायज़ हैं और फेयर हैं। जनता के साथ से सरकार यहाँ आई थी, जनता के विरोध से सरकार जाएगी। पर मैं उस इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मैं एक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं एक SKM की वॉलंटियर की हैसियत से यहाँ पर हूँ, एक फौजी की बेटी की हैसियत से यहाँ पे हूँ, एक किसानी परिवार से जुड़े होने की हैसियत से यहाँ पे हूँ। मैं बॉलीवुड का प्रतिनिधित्व यहाँ नहीं कर रही। हमारा संदेश है कि महिलाओं की राजनीतिक प्रोसेस में बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। और हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए एक बिल पास हो उससे पहले। देखिए, मेरा रोल यहाँ पर एक SKM की वॉलंटियर की हैसियत में है। जहाँ रही दूसरे लोगों की बात, मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो फार्मर पार्लियामेंट का है, वुमेन फार्मर पार्लियामेंट का है, और उस मुद्दे पर अगर हम चर्चा करें तो बेहतर होगा। ये कोई नई बात नहीं है, भाजपा सरकार के बड़े बड़े मंत्री, नए नए विशेषज्ञ इस्तेमाल करते हैं किसान मोर्चे का के बारे में बात करने के लिए, तो अब उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, कहने वाले तो कहेंगे और करने वाले करेंगे। अब आपको करने वालों में से बनना है या कहने वालों में से बनना है, ये निर्णय आपने लेना। देखिए, सरकार अल्टीमेटली पब्लिक की मुलाजिम है, ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत बार कहा है कि मैं देश का प्रधान सेवक हूँ, देश का प्रधान सेवक हूँ। अब अगर जनता किसानों के हक में खड़ी होती है और अगर आप लोग हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाएं ईमानदारी से, और आप लोग यहां आए हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको वेट भी करना पड़ा है, लोगों ने आपको कठोर शब्द भी कहे हैं, पर अगर आप हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाएंगे और सही और असली आवाज़ जो हमारी है, जो हमारे मुद्दे हैं, जनता तक पहुँचाएँगे, मुझे पूरा विश्वास है भारत के ज्यादा से ज्यादा लोग मोर्चे के साथ समर्थन में खड़े होंगे। तो और क्या लगता तब आपको जनता तक नहीं पहुंची बात? पहुंची थी, पर बीच में सरकार के बहुत से ऐसे तौर तरीके हैं जिनसे बात को कहीं और घुमाया जाता है, मोर्चे को अलग रुख और रंग दिया जाता है। उन सब मामलों में सरकार सक्षम है और बहुत बढ़िया प्रतिष्ठा रखती है। तो हमारी बस यही उम्मीद है कि जनता या तो जनता को मालूम पड़े मोर्चे की हकीकत के बारे में, और हमारे से हमदर्दी जुड़े बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है मोर्चा ख़त्म हो गया है। और जैसे आप लोग अभी जो लोग सिंगू टिकरी जाते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कितनी तादाद में लोग वहाँ बैठे हैं, और जो लोग बैठे हैं उनकी गिनती नहीं करनी चाहिए, जितने लोगों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी गिनती करनी चाहिए। और ये बात लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है कि इतनी तादाद में लोग अभी भी बैठे हैं मई की गर्मी में, जून की गर्मी में 48 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन कहानियां सरकार की तरफ से और सरकार के समर्थकों की तरफ से ऐसी उड़ाई जा रही है कि तो AC में बैठे हैं, ये तो आरतीये हैं, ये तो ये हैं। तो मतलब ये जो नाइंसाफ़ी और गलत प्रकार की रिपोर्टिंग हो रही है, उससे हमें एतराज है। मैं कौन हूँ? मैं तो बस यहाँ पे SKM की एक वॉलंटियर हूँ। बात देखिए, मुद्दा ये है कि सरकार को एक स्टेट सब्जेक्ट पर कानून बनाना
डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए वैलिड है या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब सरकार नहीं दे रही है। स्टेट सब्जेक्ट है तो पहले तो स्टेट सब्जेक्ट पर सरकार को कानून नहीं बनाने चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह से कानून बनाए गए बिना चर्चा के, बिना लेजिस्लेटिव प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो किए, उससे इसका फंडामेंटल और इसकी बुनियादी फ्लॉड है। अब एक फ्लॉड कानून पर आप कितनी भी चर्चा कर लें, उसकी फाउंडेशन ही गलत है। देखिए, मुझे नहीं लगता मुझे उस पर टिप्पणी देनी चाहिए, ये सही फोरम नहीं है उस बात पे, उस मुद्दे पे बात करने का। पर मुझे ये लगता है कि जनता के हाथ में सरकार की की जान है, और अगर जनता जनता तो बहक जाती है ना मैडम, हिंदू मुस्लिम के, क्योंकि दूसरे लोग बहकाने को उनको उनके साथ उनका सरकार का साथ देते हैं। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं, धर्मेंद्र है, सनी देओल है, हेमा मालिनी है, वो भी तो किसान है, वो कोई ट्वीट तक नहीं करने किसानों के लिए। हम उनके बारे में क्यों बात करें, हम उनकी बात करते हैं ना जो ट्वीट कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हम उन्हीं लोगों को गिनते रहे जो शायद हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी भी सपोर्ट कर रहे हैं उस बारे में, आज वो ट्रैक्टर लेके पहुंचे। देखिए, वो तो ऑपोजिशन का काम है। अगर ऑपोजिशन इसको सपोर्ट नहीं करेगी फिर तो ऑपोजिशन बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है। ऑपोजिशन में बहुत गुंजाइश है और कुछ करने की, पर कम से कम जो हम ऑपोजिशन से उम्मीद रखते हैं वो ये है कि किसान आंदोलन को सपोर्ट करें। आप जब सही संदेश जनता तक पहुंचाएंगे तो आप माध्यम बनेंगे जनता को जागरूक करने का, ये जिम्मेदारी तो आपके कंधों पर आ चुकी है। मेन स्ट्रीम भाई, हम तो पहुंचा ही रहे हैं, जितने यहाँ खड़े हैं, जो नहीं पहुंचा रहे उनके लिए बोलिए आप। अब वो तो ये चैनल नहीं देखने वाले हैं, तो नहीं देखते हैं सब या सबके मिलियन। देखिए, मुझे लगता है हर इंसान का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ज़मीर होता है, और अल्टीमेटली आपको जवाब अगर लेना है अपने आप से, वो आपको अपने ज़मीर से बातचीत करके लेना पड़ेगा। मैडम, आपको नहीं लगता सरकार कामयाब होती नज़र आ रही है संयुक्त मोर्चे को तोड़ने में? ये तो वक्त ही बताएगा। मैं यहाँ पर उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहूँगी। मैं अगर बात करना चाहूँगी तो वो मैं किसान एकता की बात करना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार जाने वाली है, ज़्यादातर किसान नेता ये बात कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी मूंगी खाने वाली है, लेकिन अगर बीजेपी नहीं तो कौन, किसको देख रहा है? ये तो मैंने तो कहा ही नहीं। अगर मैंने ये नहीं कहा तो फिर मैं इसका रिस्पांस क्यों दूं? मैंने तो नहीं कहा। देखिए, मैं संयुक्त किसान मोर्चे के साथ जुड़ी हूं, मैं उनकी पॉलिटिकल व्यूज और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के लिए रिस्पांसिबल नहीं हूं। ठीक मैम, आपको नहीं लगता मैडम कि किसानों को कोई पार्टी बनानी चाहिए? देखिए, ये सवाल अब मेरा आखिरी जवाब होगा, क्योंकि भाई साहब को मैंने बहुत वेट करवाया, इनको जींद जाना है वापस, तो हम अभी जाके इनसे वन टू वन बात करेंगे। देखिए,